नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में सियासी तपिश अपने पूरे सरूर पर है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा सभी पार्टियां मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी बैतरणी पार करने की जुगत में दिखाई दे रही है। इसके लिए सभी पार्टी के दिग्गजों का मध्यप्रदेश में जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में शुमार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एमपी के बीजेपी के लिए वोट की अपील करते देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही वो कांग्रेस पर निशाना साधने से चूक भी नहीं रहे। रैली में योगी ने कांग्रेस पर साना साथ ही कहा, कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया लेकिन विकास नहीं किया। जो परिणाम दिया है आपके पास है भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। भाइयों बहनों, पहली बार है जब किसी बीमारी की, किसी महामारी का वैक्सीन देश के अंदर ही बना हो, वह कोरोना का, वह मोदी जी के कारण बन पाया है। एक नहीं, दो दो वैक्सीन, दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जिसके बाद वो वहां से मध्यप्रदेश निकल गए। इस दौरान वो सपा और कांग्रेस दोनों पर हमलावर देखे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस बेईमानों की पार्टी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव उनको लिख कर देते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो गरीबों का हक लूट करके खा जाने का काम करती थी। और श्री राहुल गांधी जी की अब समस्या यह है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम के लोग तो छोड़िए, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको नेता नहीं मानते, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। शुगर की बीमारी हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करती रह जा रही है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बहराइच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कैंप लगाकर सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप करते हुए दवाइयां भी वितरित की। इस दौरान मौके पर CMO सतीश कुमार सिंह ने बताया, आज शुगर की बीमारी हमारे शरीर को घुन की तरह नुकसान पहुँचा रही है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष रीना केडिया ने बताया कि शुगर लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में IMS से जुड़े डॉक्टर लगातार कैंपों के माध्यम से शुगर के मरीजों की फ्री जांच करेंगे और दवाइयां भी वितरित करते नजर आएंगे। इलाज तो हम लोग सारे चिकित्सक करते हैं, बेहतर होगा कि हम लोग अपनी जीवन पद्धति को सुधारें जिससे कम से कम अक्वायर्ड डायबिटीज ना हो। जेनेटिक है वो तो है, वो भी कंट्रोल रहेगी, और हम लोग खान पान और अपने जीवन में व्यायाम का स्थान दें तो हम लोग अपने जीवन को नियमित रखें जिसमें खान पान भी संतुलित रहे और व्यायाम भी शामिल रहे, तो डायबिटीज को काफ़ी स्तर पे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। सर, बहराइच शहर की आवाम को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो है मतदान दिवस को लेकर? बहराइच शहर के आवाम को ये हम देना चाहेंगे अपनी तरफ से संदेश कि सब लोग जगे सुबह में तो व्यायाम ज़रूर करें। मैं डॉक्टर रीना केडिया, IMA बहराइच की प्रेसिडेंट। आज हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 10 क्लिनिक्स को चिन्हित किए हैं जहां पर 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक फ्री शुगर की जांच की जाएगी और परामर्श दिया जाएगा, लोगों में डायबिटीज़ के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। खबर गोंडा से। गोंडा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी ताज़ा बानगी देखने को मिली। दबंगों ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके शव को उसके घर में लटका दिया। परिजन रहम की भीख मांगते रहे लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। वहीं इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है, सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला तो दर्ज नहीं किया। पूरा मामला कोतवाली नगर के अंतर्गत ग्राम जोगीबीर भवनी का बताया जा रहा है। खबर शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा करने के लिए महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाते हुए फूलों से गोवर्धन पर्वत सजाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएँ मौजूद रहीं। इसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया।
इंद्र भगवान को एक बार घमंड हो गया था और उन्होंने घमंड में इतनी बारिश करवाई थी गोकुल में कि वो लगभग डूबने आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्व अपनी एक छोटी वाली छुंगी उंगली में उठा लिया था और घमंड का इंद्र भगवान का घमंड छोड़ दिया था। तभी से गोवर्धन की पूजा होती है और ये पहले ब्रजबिहार में होता था लेकिन अब इसका यहाँ पे श्री कृष्णनगर मंदिर में भी कार्यक्रम हर साल होता है और उसमें अल्पना बनाते हैं रंगोली पूरा उसको बना के और पूरा धन धान से भरते हैं और घर के सभी सदस्य और सब उसमें बनाए जाते हैं और गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसको सभी महिलाएं मिलके और पूजन करती हैं उसका और इसका बहुत महत्व है हमारे इसमें और सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। खबर अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर की अलीगंज पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने धांधली और जालसाजी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रमापति वर्मा काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर अलीगंज पुलिस ने खासपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार किया। फिलहाल अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अगली खबर हरदोई से। हरदोई में पाली कस्बे के मोहल्ला काजी सराय में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों पक्ष झगड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेज दिया है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से NCR दर्ज की गई है। मामले की जाँच कर जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्र पाली के मोहल्ला काजी सराय में दो पक्षों में एक पक्ष है प्रमोद कुमार माली, दूसरे पक्ष हैं रमेश चंद और उनके बीच में मारपीट हुआ है। दोनों तरफ से NCR पंजीकृत करके मेडिकल के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और घर में लेडीजें भी थी, उन्होंने सबको सबने मिलकर मारा हम लोगों को। क्या नाम था उन लोगों? उनका नाम था पप्पू है, रोहित है और गौतम है, कुमार हैं, शिवम है वगैरह, इनके सब लोग थे और लेडीज हैं अलग से इनके घर पे। अमित वगैरह थे, अमित वगैरह सब लोग थे। इन्होंने सब लोगों ने सुबह ही उठ के उनको मारा। आपके घर में कितने लोग घायल हैं? हमारे घर में टोटल 4 लोग। अगली खबर संभल से। संभल की हयात नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक पर आरोप है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और फिर उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। गिरफ्तार आरोपी राजा हसनपुर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर फिर हरदोई से। हरदोई में बाइक को ओवरटेक करने को लेकर दो बाइक सवार में झड़प हो गई जिसमें दोनों बाइक सवारों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसों से प्रहार किया जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CO City ने बताया दोनों के विरुद्ध ही कार्रवाई कर दी गई है। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, CO City हरदोई। कल थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों को लेकर आपस में वाद विवाद हो गया जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर ली गई, अनवैधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।